नमस्कार, मैं विश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने केदारनाथ से की। यहां पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी एक खास परिधान में नजर आए, जिसे लेकर हर तरफ चर्चा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने जो ड्रेस पहना था वो हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस है। यह ड्रेस पीएम मोदी को एक महिला ने तोहफे में दिया था। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फ्रॉड अभिषेक अग्रवाल के द्वारा चीफ जस्टिस बनकर कॉल करने के मामले ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। भाजपा ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को निशाने पर लिया है। वहीं अब इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने डीजीपी का बचाव किया है। इस पूरे मामले पर सीएम ने जाँच की बात भी कही है। आयरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए करो या मरो मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। इसी के साथ दो बार की चैंपियन टीम वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई है। श्रीलंका और नीदरलैंड्स के बाद सुपर 12 में जगह बनाने वाली तीसरी टीम आयरलैंड बन गई है। प्रतिबंधित संगठन PFI को असम पुलिस ने एक और झटका दिया है। असम के कामरूप जिले के नगरबेड़ा इलाके से शुक्रवार को PFI के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संगठन से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी कामरूप जिले के पुलिस अधीक्षक हितेश रे ने समाचार एजेंसी को दी है। मौसम विभाग के द्वारा जारी एक अलर्ट के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर और दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके 22 अक्टूबर के आसपास पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुँच सकता है। पीएम मोदी की पूजा अर्चना कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद उदित राज को पसंद नहीं आई है। कभी भाजपा में रहे उदित राज ने पीएम को हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में जुटने की सलाह देकर विवाद को बढ़ा दिया है। भाजपा ने इसे खास वोट बैंक को साधने की कोशिश करार दिया है। सैन्य उड़ानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। गुरुवार को एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। सेना ने राहत कार्य शुरू किया। घटना सिंगिंग गांव के पास हुई थी। कुछ समय पहले ही तवांग में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी। भारत में सबसे बड़े सब्सक्राइबर बेस वाली टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि चुनिंदा शहरों में इसकी 5G सेवाओं का फायदा दिवाली से मिलने लगेगा। जियो ट्रू 5G लॉन्च के साथ ही कंपनी 5G नेटवर्क पर ग्राहकों को 1 Gbps तक की स्पीड देगी। अगर आप बाकियों से पहले जियो की 5G स्पीड का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे वेलकम ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे बनाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नया चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। खबर है कि उद्धव अब शिंदे के गढ़ियानी थाने में रैली की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों नेताओं को समूहों को शिवसेना की अलग अलग पहचान दे दी है। इसके बाद शिंदे समूह बाला साहेब वांची शिवसेना और उद्धव समूह का नाम शिवसेना के तौर पर जाना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालत की छुट्टियों को चुनौती दी गई है। HC इस याचिका पर दीपावली के बाद सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि अदालतों की लंबी छुट्टियों से मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। मालूम हो कि उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर से दीपावली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जिसके बाद अदालत 9 नवंबर को दोबारा खुलेगी। बिहार के 4 युवक म्यांमार गए। युवक फंस चुके हैं। सभी युवक मैरवा प्रखंड के निवासी हैं। ये युवक IT सेक्टर में काम करने के लिए थाईलैंड के रास्ते म्यांमार गए थे। काम की तलाश में वहां जाकर ये लोग फंस गए। थाईलैंड में काम के नाम पर बुलाने के बाद कंपनी ने अवैध तरीके से म्यांमार में भेज दिया। यूपी के फिरोजाबाद में नाम मेडिकल कॉलेज, लेकिन अव्यवस्था ऐसी कि बिजली जाने पर इमरजेंसी में घायल मरीज को मोबाइल की रोशनी में टांके लगाने पड़े। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। मेडिकल कॉलेज में बुधवार की रात करीब 11 बजे अचानक बिजली चली गई, तभी हादसे में घायल मरीज को इमरजेंसी में लाया गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल ने शुक्रवार को अपनी जिहाद टिप्पणी पर सफाई दी। शिवराज पाटिल ने कहा कि जब उन्होंने ये बात बोली कि कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया तो उनका क्या मतलब था। उन्होंने कहा कि क्या आप कृष्ण के सबक को अर्जुन के लिए जिहाद कहेंगे? नहीं। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि हर साल दिवाली के बाद भाई दूज से ठाकुर बांके बिहारी में ठाकुर जी के दर्शन के समय में बदलाव किया जाता है। इसके अनुसार 27 अक्टूबर भाई दूज से ठाकुर बांके बिहारी के पट सुबह 8:45 पर खुलेंगे। 8:55 पर श्रृंगार आरती के दर्शन होंगे। दोपहर 12 बजे ठाकुर जी का राजभोग आएगा। 12:30 बजे फिर से ठाकुर जी के पट खुलेंगे। इसके बाद दोपहर 12:55 पर भक्तों को राजभोग आरती के दर्शन होंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो गया है। ऐसे अपराधी या तो जेल में बंद हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान मारे गए हैं। प्रदेश में महिलाएं, बालिकाएं, कमजोर वर्ग और व्यापारी आज सुकून से हैं। हर पर्व त्यौहार शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो रहा है। बैंगलोर बेस्ड DCX सिस्टम्स का IPO दिवाली के बाद लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी का IPO 28 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर तक IPO में निवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। कंपनी ने IPO के लिए 197 से 207 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड फिक्स की है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इन 80 पदों के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स जिनके पास ITI डिप्लोमा भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 15 से 25 साल है। स्टाइपेंड 5,000 से 9,000 दिया जाएगा। डिटेल्स जानने के लिए आप IRCTC.com या newopenings.html पर जाएं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2022 अंतिम आवंटन परिणाम आज पहले राउंड के लिए 21 अक्टूबर को जारी हुआ। छात्र मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। परिणीति चोपड़ा ने इस बारे में खुलकर बात की कि बताया कि फिल्म एनिमल को उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें होती हैं और यह जीवन का एक हिस्सा और पार्सल है और इन ऑप्शन को हर दिन बनाना आवश्यक है। गोरखपुर के गीटा थाना क्षेत्र में गैलेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। महू के पास चर्चित और विख्यात पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इसी इलाके के आजादी के नायक रहे टंटया भील के नाम पर दिया गया है। राज्य सरकार के इस अनुमोदन पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आदिवासियों की आस्था और मंशा अनुसार इसे सरकार ने पारित किया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के तोशाखाना मामले में आयोग घोषित करार दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रेड जोन बनाया गया है जिसमें लगभग 1,100 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से राहत और पर्यावरण को बचाने में ई व्हीकल एक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर 2030 तक दौड़ने वाले वाहनों में 50% ई बाइक और 30% इलेक्ट्रिक कार होगी। यह अनुमान क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर का है। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट तिथि की घोषणा हो चुकी है। यह परीक्षा जनवरी में 7 तारीख को आयोजित की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से होने वाली CSEET 2023 परीक्षा 7 जनवरी 2023 को रिमोट प्रोटेड मोड में आयोजित कराई जाएगी। वहीं CSEET जनवरी 2023 के लिए पंजीकरण विंडो फिलहाल खुली हुई है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान औसत PM2.5 प्रदूषण COVID-19 से पहले के मुकाबले 20% घट गया है। यह दावा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा ताजा जारी की गई रिपोर्ट ने किया है। आकलन के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 1 जनवरी 2015 से लगातार सर्दी के साथ सीजन और सर्दी पूर्व के रुझानों को शामिल किया गया है। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में छुट्टियों की भी भरमार है। शनिवार से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। वे बैंकों की छुट्टियां की बात करें तो देश के कई राज्यों में अक्टूबर महीने के अंतिम 10 दिन में से 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, लेकिन चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली कुल 3 दिन ही बैंक बंद रहेंगे। मुखर्जी नगर इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के अंतिम वर्ष की छात्रा का शव कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। छात्रा PG में पढ़ती थी। घटना को पुलिस प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या मान रही है। हालांकि छात्रा के पिता ने बेटी को किसी के द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने या फिर हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप दिए जाने की आशंका जताई है। चीन सीमा तक सड़क निर्माण के बाद व्यास घाटी में बढ़ी पर्यटन गतिविधियों के बीच एक और अच्छी खबर है। प्रशासन ने गुंजी को उप तहसील बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यहां हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा। अभी तक यहां के लोगों को काम के लिए धारचूला तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन प्रस्ताव पर शासन की मुहर लगते ही स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक असर दिखेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का 6% DA बढ़ाने का फैसला लिया है। पंजाब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पुराने पेंशन बहाली का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा सभी जिलों में CM विंडो खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड मामले में डीजे सेकंड कोच निश गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्याकांड के आरोपी ज्योति के पति पीयूष श्याम दासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी लोगों पर गुरुवार को दोष सिद्ध हुआ था। इसके बाद कोच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडवांस बुकिंग कल दोपहर खुला है। बॉक्स ऑफिस से india.com की रिपोर्ट के मुताबिक राम सेतु ने टिकट के दाम ज्यादा होने के साथ ही थैंक गॉड पर थोड़ी बढ़त बनाई है। राम सेतु आगे दिख रही है। फिल्म को मल्टीप्लेक्स दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ओमकार सिंह, उमेश दास, बिरजू कुमार, मोहम्मद नौशाद, रजा, अब्दुल असद, नुन्नू कुमार, महेंद्र कुमार, भान प्रकाश मौर्य, राकेश शर्मा और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके शहर में भी पटाखा बैन है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।